अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसल महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने बबल डॉट आईओ में अपनी ऐप की यूआई बनाई थी। ऑब्वियसली हमने एक बेसिक सा वर्जन उसका बनाया था, लेकिन हमने अपनी बबल डॉट आईओ में एक्चुअल ऐप डेवलपमेंट से, यूआई डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लिया था। यूआई बनाते वक्त हमें एक चीज रियलाइज हुई कि हमारे पास जो बबल डॉट आईओ में कंपोनेंट्स हैं, हम उनसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर किस्म की यूआई बना सकते हैं, लेकिन काफी सिनेरियोज इस तरह के आएंगे जहां पे हमें जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट कंपोनेंट्स हैं उनसे ज्यादा कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे। लेट्स से कि हमने एक कैलेंडर शो करना है तो उसके लिए हमें कोई कंपोनेंट चाहिए होगा, हमने कोई चार्ट शो करना है तो उसके लिए हमें कंपोनेंट चाहिए होगा, टेबल के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए होगा, इसी तरह और भी काउंटलेस केसेस के लिए हमें कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। और लेट्स से कि हमारे पास ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंपोनेंट लाइब्रेरीज हैं, आयोनिक कंपोनेंट लाइब्रेरी है, मटेरियल डिजाइन, और भी बहुत ज्यादा उनमें आइकॉन्स हैं, उनमें कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग है कि बटन एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट्स हमें अपनी बबल डॉट आईओ ऐप में चाहिए होंगे। तो उस केस को हम किस तरह टैकल करेंगे, जो कि है प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट बबल डॉट आईओ में। प्लगइन्स को यूज करते हुए बबल डॉट आईओ में हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। हम बबल डॉट आईओ ऐप में एपीएस की प्लगइन को ऐड कर सकते हैं, हम आइकॉन के प्लगइन को ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स के प्लगइन को ऐड कर सकते हैं, और भी काउंटलेस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको कि हम अपनी बबल डॉट आईओ में ऐड कर सकते हैं और उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली एक प्लगइन को इंस्टॉल करके, कुछ एक दो प्लगइन्स को इंस्टॉल करके उनको यूज करके देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पे ब्राउजर को ओपन कर लूंगा, और लास्ट टाइम हमने यहां तक अपने काम को कंप्लीट किया था जिसमें कि हमने ये यूआई बनाई थी। मैं इसको साथ में प्रीव्यू पे लगा दूंगा ताकि वो लोड हो जाए। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास विजुअल एलिमेंट्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसी तरह बाकी जो भी हमारे पास बेसिकली कंटेनर्स, ये सारे कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम वर्कफ्लो में जाएं, जो कि ऑब्वियसली हम बाद में डिटेल में स्टडी भी करेंगे, तो अगर रफली इनको देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। और सिमिलरली डाटा में हम यहाँ पर और ज्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक कैलेंडर का एलिमेंट नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर एक कैलेंडर शो कर सकूं, तो उसके लिए और इस तरह के सारे केसेस को टैकल करने के लिए हमारे पास जो फीचर बबल डॉट आईओ में अवेलेबल है उसको प्लगइन कहते हैं। ओके, हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास बेसिकली कोई भी अगर एडिशनल फंक्शनैलिटी हम ऐड करना चाहें तो वो प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले हम जरा ब्रीफ लेवल पे एक दफा ये देख लेते हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं और आखिर हमें उनको यूज क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बबल डॉट आईओ के प्रोजेक्ट में अगर कोई एक फीचर हमारे पास बिल्ट इन या डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है कि हम कोई प्लगइन इंस्टॉल कर दें। बबल डॉट आईओ प्लगइन की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं डिफाइन कर सकता हूं वो आप, क्योंकि ब्राउजर आप सबने यूज किया है, हम ब्राउजर्स में काफी ज्यादा एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियो पहले हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी मैयरेट। इस एक्सटेंशन का क्या काम था कि ये बेसिकली जब हम यूआई बना रहे थे तो मुझे इन चीजों के दरमियान स्पेस को फाइंड करना था। जैसे कि आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये काम ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है, मीन के ब्राउजर में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जिसको मैं ऑन करूंगा तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस चीज को मेजर कर सकूं। इस फीचर को ऐड करने के लिए मैंने इस ब्राउजर में एक एक्सटेंशन ऐड की, उसकी वजह से इस ब्राउजर में ये कैपेबिलिटी आ गई कि मैं जब इस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ और इसको अनेबल करता हूँ तो मैं स्क्रीन पर ऐसे बॉक्सेस ड्रा करके उनकी विड्थ और हाइट को मेजर कर सकता हूं। ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इस एक्सटेंशन की वजह से आई इस ब्राउजर में। आप बबल डॉट आईओ ऐप को अगर ब्राउजर कंसिडर करेंगे तो जो एक्स्ट्रा प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं वो इन एक्सटेंशंस की तरह होंगे, जो कि बबल डॉट आईओ प्रोजेक्ट में वो फीचर ऐड करेंगे जो
बाई डिफॉल्ट उसमें अवेलेबल नहीं होता, और यही वजह है कि हमें प्लगइन्स को यूज करना चाहिए। लेकिन क्या प्लगइन्स को यूज करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, या फिर अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं तो हमें किस टाइप के प्लगइन्स को यूज करना चाहिए, ये चीज हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले हर एक केस के लिए शायद प्लगइन को यूज करना बेस्ट केस सिनेरियो नहीं होगा। अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप देखें कि क्या वो फंक्शनैलिटी bubble.io में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि प्लगइन्स आपके ऐप में एक डिपेंडेंसी की तरह काम करती है, और आपकी ऐप में जितनी डिपेंडेंसी कम होगी उतना ज्यादा आपकी ऐप बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो bubble.io के नेटिव एनवायरनमेंट पे डिफॉल्ट चल रही है जो कि bubble.io फुली सपोर्ट करता है। लेकिन हर एक चीज हम बेसिकली bubble.io के जो डिफॉल्ट एलिमेंट्स हैं या डिफॉल्ट फ्लो है उसके थ्रू अचीव नहीं कर सकते, या फिर अगर कर सकते भी हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। उस सारे मैनुअल वर्क से बचने के लिए हमारे पास प्लगइन्स का ऑप्शन है, उन केसेस में हमें प्लगइन्स को यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक केस सिनेरियो कहा कि मुझे यहाँ पर एक कैलेंडर एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ कि मेरे पास कैलेंडर टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका केस क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये डेट एंड पिकर है, अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ तो ये डेट एंड पिकर आ गया, लेकिन बेसिकली ये डेट एंड पिकर एक इनपुट एलिमेंट है जिसको अगर मैं प्रीव्यू करूंगा, ये कैलेंडर एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक इनपुट एलिमेंट है जिसपे क्लिक करने पे ये बाय डिफॉल्ट जो HTML का इनपुट डेट पिकर है वो ओपन होता है, जो कि मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे यहाँ पे कैलेंडर शो होना चाहिए, जैसे कि एक कैलेंडर की UI होती है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है। अब अगर मैं चाहूँ तो bubble.io में रहते हुए पूरा कैलेंडर बना सकता हूँ, लेकिन वो एक बिला वजह का काम होगा जो कि ऑलरेडी कम्युनिटी ने या ऑफिशियल प्लगइन ने मेरे लिए कर दिया। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज की, वो क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है और कौन सी टर्म बेहतर है, ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट। बेसिकली bubble.io या कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी स्टैक पे बात कर रहे हो तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, जो उसमें एक्सटेंशंस ऐड होती हैं। उन एक्सटेंशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑफिशियल और दूसरी कम्युनिटी बेस्ड। ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि जिस टीम ने वो प्लगइन या वो फीचर या वो टेक्नोलॉजी स्टैक, जैसे कि जिस टीम ने, अगर bubble.io की हम बात करें तो जिस टीम ने bubble.io को बनाया है उसी टीम ने जो प्लगइन बनाया है वो प्लगइन ऑफिशियल प्लगइन कहलाएगा, क्योंकि वो प्लगइन bubble.io की टीम ने बनाया। और इसके ऑपोजिट bubble.io के लिए अगर कोई कम्युनिटी मेंबर, जैसे कि मैं bubble.io की ऑफिशियल टीम में नहीं हूँ, मैं एक कम्युनिटी मेंबर हूँ, मैं bubble.io का एज अ कम्युनिटी मेंबर यूज करता हूँ, एज अ थर्ड पर्सन यूज करता हूँ, तो मैं अगर कोई प्लगइन बना के bubble.io के मार्केट प्लेस में उसको पब्लिश कर दूंगा फ्री या पेड, तो वो एक कम्युनिटी प्लगइन कहलाएगा कि वो एक थर्ड पार्टी पर्सन ने बनाया है और उसने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है कि ओके मेरा प्लगइन ये काम करेगा। उस प्लगइन को बेसिकली जब आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें कॉशियस होना चाहिए कि बेसिकली आप उसकी परमिशंस को स्टडी करें कि उसे ओके इसको कौन कौन सी परमिशन चाहिए, और देखें कि क्या ये परमिशंस इसके यूज केस को जस्टिफाई करती हैं कि नहीं। इस केस में ऑफिशियल प्लगइन्स काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि उनकी टीम ने बनाए होते हैं, और टीम जो bubble.io की टीम है ऑब्वियसली वो अपने प्रोडक्ट को मैच्योर करना चाहती है, वो उसमें कोई भी फॉल बैक या लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे, एटलीस्ट पूरी ट्राई करेंगे कि ना बाकी रहे। लेकिन मैं एज अ कम्युनिटी मेंबर मैं बेसिकली अपना जो स्पेसिफिक यूज केस होगा उसको टैकल करने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि किसी टाइम बेस या किसी भी लिमिटेशन की वजह से मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करूं। तो इस वजह से जब कम्युनिटी प्लगइन को हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा ये कम्युनिटी प्लगइन एक अच्छा प्लगइन है भी कि नहीं है, ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट के एक अच्छे कम्युनिटी प्लगइन या एक अच्छे प्लगइन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि प्लगइन्स आखिर है कहाँ पे हमारी bubble.io की ऐप में,
और उनको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है और उनको अनइंस्टॉल करने का क्या तरीका है, और उसके अलावा अगर कोई चीज हमें उसमें जाननी चाहिए तो वो क्या चीज है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्लगइन्स हमारी bubble.io में कहां पे है। bubble.io में होपफुली आपने अभी तक रियलाइज किया होगा कि हमारे पास यहाँ पे मैं डिजाइन के टैब में हूँ, यहाँ पे यूआई बिल्डर टैब में हूँ, और आप देख सकते हैं कि हर एक ये जो इंडिविजुअल टैब है या अकॉर्डियन है या कोलैप्स मेन्यू है उसमें एक बटन आ रहा है लास्ट वन जो है इंस्टॉल मोड, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप ओपन हो जाता है जो कि क्लियरली हमें बता रहा है इंस्टॉल न्यू प्लगइन्स। ये हमारे पास स्क्रीन है जहां से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं bubble.io प्रोजेक्ट में। एक चीज को प्लीज याद रखिएगा, bubble.io में जब आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो ऐप वाइज होंगे। bubble.io में ऑलमोस्ट हर एक काम ऐप वाइज है, जो भी काम आप करते हैं जिस ऐप में करते हैं वो काम उस ऐप को इफेक्ट करता है और दूसरी एप्स को इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने टाइप्स में बाय डिफॉल्ट मेरे लिए सिर्फ एलिमेंट टाइप को सिलेक्ट किया और बाकी सब को अनसिलेक्ट कर दिया और बाकी कैटेगरीज हर एक को सिलेक्ट कर दिया है, प्राइसिंग हर एक को सिलेक्ट कर दिया है, और ये जो मैं अभी बात कर रहा था बिल्ड बाय ऑफिशियल मीन जो ऑफिशियल प्लगइन्स है और थर्ड पार्टी डेवलपर्स जो कम्युनिटी प्लगइन है। अगर मैं ऑफिशियल को अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं। अगर मैं ऑफिशियल को चेक करता हूं और इसको अनचेक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये एंड पे सब के साथ आ रहा है बाय बबल, और ये इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल प्लगइन है। मैं अगर इसको अनचेक करके इसको करता हूं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक प्लगइन का जो ऑथर है या जो डेवलपर है या जो क्रिएटर है वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली किसी क्रिएटर ने एक से ज्यादा प्लगइन्स भी किए होंगे, तो जैसे इस क्रिएटर ने चार प्लगइन्स को क्रिएट किया जो कि परफेक्टली वैलिड केस है, और इसी तरह आप बेसिकली देख सकते हैं कि इन सब के आगे फ्री लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं फ्री को अनचेक करता हूं तो इसमें ऐसे प्लगइन्स भी हैं जो बेसिकली पेड प्लगइन्स हैं, और अगर मैं प्रीमियम को अनचेक करके फ्री को चेक कर देता हूं तो अब सारे वो प्लगइन्स आए हैं जो फ्री प्लगइन्स हैं। इसके अलावा जो क्राइटेरिया है जो कि एक अच्छे प्लगइन को डिफाइन करता है वो बेसिकली नंबर ऑफ एप्स जिसमें ये इंस्टॉल है, उसके अलावा बेसिकली ये बताना कि ये किस वर्जन को सपोर्ट करता है, और उसके उससे अलावा बेसिकली इस ऐप की रेटिंग कि इस ऐप को कितना रेट किया गया, ये चीज भी उस पर इफेक्ट करती है। हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हमने इंस्टॉल मोड पे क्लिक किया, इससे हमारा ये पेज ओपन हो गया। उसके अलावा bubble.io ये ऐप एडिटर पेज पे जो प्लगइन्स का स्पेसिफिक सेक्शन है वो बेसिकली ये सेक्शन है जो कि आप बेसिकली एक सॉकेट टाइप देख रहे हैं, उस पर अगर क्लिक करूंगा तो ये जो पेज है ये स्पेसिफिकली प्लगइन्स के लिए है। यहाँ पे जब हम कोई प्लगइन इंस्टॉल कर चुके होंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। अभी डेमो पर्पसेस के लिए हम जो फर्स्ट प्लगइन है जो मोस्ट कह लें कि मोस्ट पॉपुलर bubble.io प्लगइन है जो कि bubble.io ऑफिशियल प्लगइन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सा तरीका है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। कोई प्लगइन होंगे जो शायद रिक्वायरमेंट बेस्ड होंगे, उनके लिए आपको रिक्वायरमेंट बेसिकली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया, मैं डन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम इस प्लगइन को अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वंस अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम यहाँ पे क्लिक कर दें अनइंस्टॉल दिस प्लगइन, इससे अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर मैं वापस इंस्टॉल करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मैं फिर ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दोनों ऑप्शन सेम काम कर रहे हैं और इन दोनों से प्लगइन अनइंस्टॉल हो रहा है। हमने देखा कि प्लगइन को ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। इस प्लगइन को वापस ऐड करते हैं और हर एक प्लगइन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, इसका मतलब क्या है? बेसिकली कोई इसमें एक स्पेसिफिक रूल नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ओके ये फील्ड होगी, इस फील्ड पे आपने ये डाटा डालना है, क्योंकि bubble.io के काउंटलेस प्लगइन्स हैं तो हर एक प्लगइन की जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, वो उस प्लगइन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये API कनेक्टर है, इसका मतलब है कि ये bubble.io से बाहर जो APIs Firebase API, Lambda API या कोई भी हमारी पर्सनल कस्टम API उसके साथ कनेक्ट करने के लिए प्लगइन यूज होता है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। मैं यहाँ पर अगर एड अनदर API करूंगा तो मैं बेसिकली API को डिफाइन करूंगा, उसके हेडर को डिफाइन,
जो भी पैरामीटर्स होंगे, नाम उसको डिफाइन कर दूंगा, और बाकी चीजों को डिफाइन करने के बाद और कॉल ऐड कर सकता हूँ। ये बेसिकली उसकी कॉमन जो चीजें हैं वो ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉल हमने ऐड करनी है वो करते जाएंगे, गेट और सेट, ये हमारे पास ऑप्शन है, और बेसिकली उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। प्लगइन्स के लिए हमारे इस करंट बबल डॉट आईओ के कोर्स में हम प्लगइन्स को यूज करेंगे जहां जहां पे उनकी जरूरत होगी। और ऑब्वियसली जो केस आपका स्पेसिफिक केस होगा वो आप वीडियोस पे मेंशन कर सकते हैं, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उस पे भी वीडियो क्रिएट कर दी जाएगी। अभी के लिए मैं इस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दूंगा। और नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहां पे बबल डॉट आईओ ऑफिशियल या कम्युनिटी प्लगइन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि आप बबल डॉट आईओ ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपने 2 से 3 ऐप बनाई है, या लेट्स से सिर्फ 2 ऐप्स बनाई है, और दोनों ऐपों में आपको कोई सेम फंक्शनैलिटी चाहिए, तो उस केस को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। बेसिकली बबल डॉट आईओ के जो ऑलरेडी प्लगइन्स बने हुए हैं ऑफिशियल या कम्युनिटी, सिर्फ वो ही एंड ऑफ द रोड नहीं है, हम अपने कस्टम प्लगइन्स भी बना सकते हैं। मीन अगर किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा केस फेस होता है कि आपको एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए और आपको ये पता है कि उसको डेवलप कैसे करना है, तो आप अपना कस्टम प्लगइन बना के उसको एज अ कम्युनिटी प्लगइन भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि लोग भी उससे फायदा उठा सके और अपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स में, पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली बबल डॉट आईओ की जो प्लगइन डेवलपमेंट एपीआई है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है और बहुत ही ज्यादा डिटेल में बबल डॉट आईओ ने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द कोर्स में बताया था कि इस कोर्स में हम कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट को नहीं देख रहे होंगे, वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर आप बबल डॉट आईओ प्लगइन डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन करें, जितनी उसकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं उस पर भी एक कोर्स जरूर बना लूंगा। आज की वीडियो में हमने स्टडी किया कि प्लगइन्स क्या होते हैं, बबल डॉट आईओ में ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने प्लगइन्स की 2 टाइप्स को स्टडी किया, जिसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल, या जिसको कम्युनिटी प्लगइन्स कह सकते हैं, वो क्या होते हैं और उनको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने का क्या तरीका है, और ये जाना कि हर एक प्लगइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है, उस प्लगइन के अकॉर्डिंगली होती है। बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होंगे जिसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, आप सिर्फ उसको प्लग करेंगे और प्ले कर सकेंगे, और काफी ज्यादा प्लगइन्स ऐसे भी होंगे कि जिसमें काफी ज्यादा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिक्वायर्ड होगी। कुछ प्लगइन्स ऐसे भी होंगे कि जिसमें आपको एक थर्ड पार्टी ऐप में जाके अकाउंट क्रिएट करके वहां से कोई की लेके या कोई टोकन लेके उसको इसमें सबमिट करना पड़ेगा, फिर वो प्लगइन काम करेगा। इस तरह के केसेस भी होंगे, जो कि एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है गूगल मैप्स की। अगर आप गूगल मैप्स को यूज करना चाहते हैं तो आपको गूगल मैप की एपीआई की चाहिए होगी, उसके लिए आपको गूगल डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो सारा काम करने के बाद आपको एक एपीआई की मिलेगी, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तभी आप गूगल मैप बबल डॉट आईओ की ऐप में यूज कर सकेंगे, प्रोडक्शन एनवायरमेंट में, उसके बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे और एक्चुअली एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि मुझे एक कैलेंडर की यूआई चाहिए, तो हम कैलेंडर यूआई के रिलेटेड प्लगइन्स को सर्च करेंगे और उनको यूज करके देखेंगे। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, इस प्लेलिस्ट को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ और अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें और इस सीरीज को हम और ज्यादा अच्छा बना सकें। सीरीज के लिए रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कोई सजेशन हो उसको मेंशन करें, अदरवाइज अपना काइंड फीडबैक जरूर हर एक वीडियो में ऐड किया करें, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।